नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं अलसी का जो जेल है ना, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूं कि दोस्तों, अलसी के जेल को आप बिल्कुल कम ना समझें। वो जो है खीरे का जो जेल आता है, एलोवेरा जेल जो आता है, उससे कहीं कम नहीं है, उससे बहुत अच्छा है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक अच्छा है आपके स्किन के लिए। इसमें ओमेगा 3 है दोस्तों, विटामिन सी है भरपूर मात्रा में। अगर इसका जेल आप जो है डेली अपने चेहरे पे मसाज करेंगे, मसाज कम से कम 10 मिनट करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके चेहरे में एकदम ग्लो आ जाएगा और रिंकल पे बहुत ज़्यादा ये काम करता है। तो ठीक है, तो आज मैं इसी का वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप किस तरह से बहुत सिंपल तरीके से एक चमचे में, किसी भगोने में नहीं, पतीले में नहीं, किसी कढ़ाही में नहीं, एक चमचे में बहुत जल्दी किस तरह से इजी तरीके से आप ये जेल 2 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। और लेकिन देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से छानना है, वो तो आपको पता है, पर इसमें क्या चीज़ मिक्स होगी। और भी एक चीज़ है जो जल्दी यूट्यूब पे नहीं बताई गई कि अलसी का जेल किस तरह से लगाएं। ठीक है, ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाती हूँ बहुत इजी तरीके से कि अलसी का जेल किस तरह से बनाएं। चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से पानी खौलने लगा है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अलसी। ठीक है, जेल बनाना बहुत आसान है। जेल बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जेल बना लें। इस तरह से इसको पकने दीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है और इसका जेल आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, शाइनिंग लाता है आपके चेहरे में। तो इस तरह से इसको पकने दीजिए। दोस्तों देखिए, ये देखिए, अब इसमें जेल देखिए बन गया है। इस तरह से बनाइएगा आप। देखिए दोस्तों, ये देखिए जेल बन गया है ना, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। देखिए अब ये बन गया है। अब हम गैस ऑफ करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से छानना है आपको। दोस्तों देखिए, ये ठंडा हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया बन गया है, देख रहे हैं। अब इसको छानना किस तरह से है, एक लीजिए कांच की कटोरी, उस पर डालिए एक कॉटन का कपड़ा, छन्नी से, ये कॉटन से कपड़े से ही आप छानना। ठीक है, तो इसको इस तरह से डाल दे रही हूँ। अब इसको इस तरह से छान लीजिए। दोस्तों खूब आपको दबा दबा के छानना होगा। ये जो है ना, इसको आप बालों में भी लगाएंगे तो बाल एकदम सिल्की एकदम हो जाते हैं। ठीक है, अरे ये तो ऊपर से ही निकल आया। इसको अच्छी तरह से पकड़ लीजिए ताकि ऊपर से ना निकले। इस तरह से देखिए, इस तरह से खूब कस के दबा दबा के निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ी ताकत लगती है लेकिन सब निकल आता है। ऊपर कस के आपको पकड़ना है, नहीं तो ऊपर से सब, देखिए इसमें से 1-2 बार निकल रहे हैं ना। हो गया, तो इस तरह से देखिए ये जेल इस तरह से निकल आया है। अब इस तरह से जेल निकाल लीजिए। इसको लगाना किस तरह से है वो भी मैं आपको, क्या डाल के लगाना है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है,
तो इस तरह से ये हो गया है। अब आपको क्या डालना है वो मैं बताती हूँ। दोस्तों ये जो जेल बन गया है, लेकिन ये क्या है ना कि ये इतना लसाड़ है कि ये लगाते बहुत कम बनता है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसके जो तार हैं वो तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रहेगा तो अलसी का ही जेल ना, लेकिन ये लगाते कम बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक बार मिक्सी के जार में डालेंगे और चला लेंगे, ठीक है। और मैं मिक्सी के जार में डाल के चला के तो दिखाती हूँ तो इस ये किस तरह से है और इसमें क्या डाल के लगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप मिक्सी में इसको पीस लेंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हैं। मतलब उस तरह से नहीं है, उस तरह से लसाड़ नहीं है जिस तरह से पहले था। पहले जो था वो लगाते बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं बनाई हूँ, मैं लगाई हूँ, लेकिन वो बहुत कम बनता है। तो आप इस तरह से जल्दी कोई YouTube पे मुझे नहीं लगता दिखाया है कि आप मिक्सी में पीस लें, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बता रही हूँ। पीसने में कोई बुराई नहीं है कि आप जब पीस लेंगी तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से ये लगाते बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है दोस्तों कॉफ़ी। तो आप इसमें कॉफ़ी डाल लीजिए और इसको मिला लीजिए। इसको मिलाने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको लगाते बनेगा और मसाज भी करते बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने हाथों में लगा के दिखाती हूँ। इसको लगाने से दोस्तों बहुत शाइनिंग आती है, झुर्रियाँ चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा ये जेल जो है बड़ा फेमस है बालों के लिए और आपके स्किन के लिए। तो ठीक है, इस तरह से लगाइए काफ़ी देर, इस तरह से मसाज करना है आपको, इसको मसाज करना है दोस्तों लगा करके। ये नहीं कि बस आपने लगाया और छोड़ दिया, आपको इस तरह से लगाना है और मसाज करना है। मसाज जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है स्किन में एकदम शाइन आएगी और एकदम चमक आती है, ठीक है। ये जेल, एलोवेरा जेल और कुकम्बर जेल, ये जो जेल हैं उन सबसे ये कोई कम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये जेल उन सबसे बहुत अच्छा है। बस फर्क ये है कि वो सब जेल आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं काफ़ी दिन तक, और इसे ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। इसलिए थोड़ा सा बनाइए, जिस तरह से मैंने चमचा में बनाया ना, चमचा में बनाया और देखिए इतना एक बार में क्या दो बार में आप आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए, बहुत ज़्यादा बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो है उसके बाद आप उसको लगा रहने दीजिए, उसके बाद आप मुँह धो लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी साइन आपके चेहरे में आएगी। जैसे कि देखिए हाथ कितना साफ लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बनाइए और लगाइए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों।